हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियोस। तो आप लोग कैसे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी बहुत ही मस्त हूँ। सो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आज बस ड्राइविंग ही करना है हमको। देखा जाए तो मोटो ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं 190 किलोमीटर, मतलब 4 से लगभग 5 घंटा के रास्ता ड्राइव करते रहना है हमको। तो आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी का गांव, मम्मी का घर, जहाँ पर अभी मम्मी वहीं पे अभी है, तो वहीं जाना है। वहाँ कुछ फंक्शन है, फंक्शन अटेंड करने के बाद वापस आना है। जो रास्ता, जो मैं ब्लॉग बनाने का जो सबसे बड़ा महत्व है, वो है सरेंडा जंगल। आप लोग शायद सुने होंगे, सरेंडा जंगल झारखंड का सबसे बड़ा जंगल है, सरेंडा जंगल। तो आज वही जंगल को हम लोग क्रॉस करते हुए, नेचर का मज़ा लेते हुए, बहुत अच्छा सा सीन है। तो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग इसी तरह बने रहिएगा लास्ट तक, तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अभी हम लोग त्रिपुदाना पहुंच चुके हैं। पापा गए हैं पानी लाने। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना दूर दूरियाँ हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, हम लोग को जाना है चाइबासा 122 किलोमीटर, फिर वहाँ से भी 1.5 घंटा का रास्ता, उतना दूर जाना है। तो बस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, उसके बाद आएगा खूटी, उसके बाद घाटी, जो 1.5 घंटा लगता है गाइस वो घाटी को पार करने में, वो घाटी भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बस आप लोग इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, हम लोग त्रिपुदाना से लगभग 22 किलोमीटर दूर खूटी पहुंच चुके हैं। ये खूटी है और यहाँ से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, और इसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे और जर्नी को अपना कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं पंचघाग। ये रांची का एक मतलब शानदार जगह में से एक है पंचघाग। ये खूटी से लगभग 17 किलोमीटर और रांची से लगभग 51 किलोमीटर की दूर पे ये पंचघाग है। बहुत अच्छा वाटरफॉल है ये भी। यहाँ बहुत लोग पिकनिक मनाने, एंजॉय करने बहुत बहुत ज़ोर से, मतलब भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो बहुत मस्त जगह है। तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू में बने रहिए, मैं और आगे चलता हूँ। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. दोस्तों, हम लोग फाइनली आधा रास्ता पार कर चुके हैं और घाटी का भी आधा रास्ता पार कर चुके और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हो कि कितना मस्त सीन है यहाँ का। दोस्तों देखिए, बस यहाँ का आधा घाटी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग को वहाँ जाना है, उधर से जाके फिर घूम घाम के एकदम मस्त मौला करके मजा आते हुए उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग बस इसी तरह बने रहिए। और ये घाटी का जो सबसे मेन बात ये है कि यहाँ 8 बजे रात के बाद से यहाँ कोई घाटी नहीं चढ़ता है, क्योंकि ये एरिया उतना अच्छा नहीं है रात के लिए। आप लोग इसी तरह बने रहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। दोस्तों, इस जगह पे एक हिरनी फॉल है, जो मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन इस जगह पे कुछ हिरनी फॉल जो राइट साइड से फिर ऊपर की ओर रोड जाती है, वहाँ पे मतलब जाने से वो फॉल दिखते हैं।
तो कभी मैं जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चकदरपुर। मिनिमम रांची से लगभग 116 किलोमीटर और 3 घंटा का रास्ता तय कर चुके हैं। सीकेपी के बाद हम लोग पहुंचेंगे चाईबासा। तो यहां से लगभग आधा घंटा का रास्ता है और 25 किलोमीटर का दूरी पर चाईबासा है। तो अब हम लोग चाईबासा पहुंचेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चाईबासा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीकेपी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे ये चाईबासा है। सो अभी हम लोग चाईबासा में हैं और यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट मतलब कुछ नाश्ता करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हम मैंने गाड़ी चलाया, तो कुछ नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, हम सो फाइनली गाइस हम लोग अभी चाईबासा पे आए हुए हैं। तो बहुत जोर से भूख लगा था तो सोचे यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो अभी डोसा मंगाए हुए हैं, देखते हैं डोसा आता है तो सब खाते हैं, उसका निकलेंगे। सो आप लोग तो देख लिए वो जंगल कैसा था, तो देखते आगे का और मस्त है, तो आप लोग इसी तरह बने रहिएगा। सो दोस्तों नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे फिर से, यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता। सो यहाँ पर अभी है हम लोग, अब नाश्ता हो गया हम लोग, अभी लोग निकलते। लेकिन अभी और एक जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा सीन है, तो वो भी आप लोग को मैं दिखाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। वो बहुत रहस्यमय है, तो मुझे भी पता नहीं था, आना जाना तो मैं करता था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इस जगह में ऐसा कुछ हुआ था। तो आप लोग बने रहिए, मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने। पापा आ रहे हैं इसलिए मुझे, देखो पापा आ रहे हैं तो इसीलिए मेरा मुंह से निकल गया मैं आ रहा हूँ। सो गाइस मैं हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। सो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बतलाया था कि एक अनोखी शक्ति वाले रास्ते पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पर एक ऐसा प्रथा है कि वहाँ से जो भी मतलब पार होते हैं वो रास्ते से, तो वो लोग कुछ ना कुछ सिक्का या कुछ ना कुछ पैसे वो वहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब वहाँ दान के तौर पे वहाँ रोड पे गिराया जाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। Calm down, tell this somebody he put in my heart for lockdown, oh lockdown. Tell you sweet life, faster, if I tell you say I love you, no day for me, younger, oh younger, no tell me no, 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 oh, oh. सो दोस्तों आप लोग जो लेफ्ट साइड में जो आप लोग देख रहे हो बाउंड्री क्या हुआ, वो एक शहीद स्मारक है, जो जहाँ जब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब यहाँ के जो आदिवासी सब थे वो अंग्रेज़ सबको मार भगाए थे, और इसमें से जो आदिवासी शहीद हुए थे उसका यहाँ स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक। तो जस्ट उसी के आगे जो ये रोड है ये बहुत रहस्य है, यहाँ एक अनोखी शक्तियाँ हैं जो आपके गाड़ी को बहुत मुश्किल से
पार करने देती है, क्योंकि यहाँ कोई भी गाड़ी जाती है कभी ना बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, या फिर वो गाड़ी पलट जाती है रिवर्स में आके, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक अनोखी शक्ति है। अभी तक मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जितना मालूम था मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हो कि आगे का जो बस है वो भी बहुत मुश्किल से चढ़ाई कर रही है, उतना भी मुश्किल चढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा शक्ति है जो मुझे भी चढ़ने में थोड़ा तकलीफ़ दे रही है। सो गाइस, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर कुछ सिक्का भी फेंका जाता है कुछ चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पार होता है तो कुछ सिक्का फेंकाया जाता है इस जगह पे। सो हम लोग भी सिक्का भी फेंक दिए हैं, और शाम भी हो गई है तो मुझे रात होने से पहले घर भी पहुँचना है, तो मैं चलता हूँ। यहाँ पर रुकना अब सही नहीं है, तो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं DPS, तो अभी मिलते हैं। आज कब लोग आए, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इधर नीनी है, इधर छोटी, हम लोग सब यहाँ पर आ चुके हैं। सो फाइनली, तो ऐसे ही मैं कल का भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग इसी तरह बने रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।